पहले सफर की दुआ सुनाओ। ओ यार ये सफर की दुआ पढ़नी पड़ेगी ना। अब हैंड ब्रेक लगा, हैंड ब्रेक लगा ना यार। अबे यार हैंड ब्रेक लगा यार, क्या कर रहा है यार तू। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एचएस व्लॉग। तो आज हमारे साथ हसन साबिर मौजूद हैं, ठीक है, जो नॉर्मली इसको होस्ट करते हैं, लेकिन हमने कहा कि क्यों नहीं आज हम होस्ट करें, ठीक है। जितने ज्यादा कवे आज इकट्ठे हुए हैं, मतलब है कि आज बहुत ज्यादा मेहमान आने वाले हैं। ये मेरा नाश्ता है आज का, दही मक्खन साग लस्सी और परांठे। जो लोग इंग्लैंड में या फिर प्रदेश से ये चीज़ें देख रहे होंगे तो उनको अपनी पुरानी यादें आएंगी। और यार आज सुबह सुबह का आगाज़ प्रॉपर देसी नाश्ते के साथ किया था, तो अभी तैयार हो गया हूँ, कुछ फ्रेंड्स को मीरपुर मिलना है और बहुत पुराने दोस्त हैं, तकरीबन हम 2013 या फिर 2014 में हम मिले थे गार्डन्स हाउस में, और उन दोस्तों के साथ गपशप होगी। और पहले हम जा रहे हैं न्यू सिटी, वहाँ हमें एक काम है, कुछ वीडियोस बनानी थी काशिफ ने, तो उसके बाद इंशाल्लाह मीरपुर की तरफ जाएंगे। और स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह सारा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। हाँ जी काशिफ साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। हाँ जी। मशवरा ये है कि आप भी डेली व्लॉगिंग शुरू कर दो। देखो रोज हम इधर बैठ के रोज व्लॉग बनाते हैं, तो आप भी अभी आगाज करो डेली व्लॉगिंग का। मेरा माइंडसेट है, लेकिन देखते हैं ना, पहले पूरा कंटेंट ढूंढना चाहिए, तो फिर मेरा माइंडसेट बन रहा है, लेकिन कुछ ऐसी मसरूफियात हो जाती है जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना सकता। चलो चले देखते हैं क्या बनता है नेक्स्ट। तो आज वेदर काफी खुशगवार, जबरदस्त, सही प्रॉपर धूप निकली हुई है, कोई धुंध का नामो निशान ही नहीं नजर आ रहा। आज तो खुश हो गए ना यार आप? आज जबरदस्त, आज मौसम जबरदस्त है, और आज मंगला डैम पे जाने का वैसे जाना आज चाहिए था। जी बिल्कुल व्यूअर्स, इस टाइम हम न्यू टाउन चकसवारी में पहुंच जाए, और चकसवारी की जो सबसे फेमस प्लेस है ना न्यू टाउन की, वो है यहाँ की जिसको हम अपनी जबान में बोर्ड बोलते हैं। गर्मियों में इसकी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, जो पुराने लोग कहते हैं कि गर्मियों में आप इसके नीचे चरपाई रख के ना सो जाएं तो आपको बड़ी पुरसकून नींद आती है। इस टाइम हम यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ हम कार के सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए आए हैं, तो हसन साहब तो ड्राइव कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं यहाँ पे कैसा प्लेस लग गया है। ज़बरदस्त है, अभी कुछ शॉट्स लेते हैं और आपके साथ वो शॉट्स शेयर करेंगे। तो मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, काफी बाहर खड़ा है। बिल्कुल कुछ शॉट्स इसके चेक करें कि कैसे शॉर्ट्स बने, और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मैं सही वीडियो बनाता हूँ या नहीं बनाता। हम अभी आए हैं चकसवारी, जो कॉलोनी समोसे जो सबसे मशहूर समोसे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ से समोसे लेते हैं। दो भाई हैं, मौलवी इनको बोलते हैं, मौलवी के समोसे बोलते हैं, तो ज़बरदस्त किस्म के समोसे हैं। मैं अभी आपको कुछ व्यूज़ भी दिखाता हूँ, और काशी को मैंने बोला वीडियो बनाने दो, लेकिन उसको भूख ज़्यादा लगी है अभी। अबू की कॉल मार रहा है, ये देखें गोलियाँ करा रहा है, इधर बैठा हुआ कह रहा है मैं मीरपुर बैठा हूँ, अभी हम इधर चकसवारी बैठे हुए, तो आप क्यों गोलियां करा रहे हैं? कुछ जो बातें होती है ना वो छुपानी पड़ती है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बतानी पड़ती। अच्छा, अगर मैं उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन बता, टारगेट किलिंग ना हो जाए। आप सेलिब्रिटी है ना? नहीं वो बात नहीं है, इसको पता क्या है, उन्होंने फिर मुझे ऐसा काम कह देना था जो नामुमकिन था, इसलिए मैंने कहा मैं मीरपुर हूँ, तो वो कह रहे हैं चलो ठीक है। तो यार ये समोसे हैं, ऐसे समोसे काशिफ इंग्लैंड में नहीं मिलते आपको। अच्छा? इंग्लैंड में वो देते हैं मोटे मोटे समोसे, कोई दो नंबर समोसे, और वो माइक्रो करके दे देते हैं, और ये समोसे आपको नहीं मिलते। आपको हर चीज़ है ना, अभी ये साथ चटनी है, और साथ में ये इनकी स्पेशल जो है मीठी मीठी चटनी है, और साथ में दूसरी है, और बहुत ज़बरदस्त। आप कितने खाते हैं रोज़ के? मैं तो तकरीबन एक मंथ हो गया छोड़े हुए, लेकिन ये हसन साहब आए तो ये कह रहे हैं फिर शुरू करो।
तो साथ में हम जिम भी तो कर रहे हैं ना, डेढ़ से दो घंटे जिम करते हैं, तो हमारा ये कवर हो जाता है ये समोसे। तो सिर्फ दो मिनट में हमने दो समोसे खा दिए, तो समोसे काफी अरसे के बाद मैंने खाए थे, जबरदस्त समोसे। हसन भाई किधर जा रहे हैं अभी? अभी यार ये आ गए हैं शरियार को, इधर से पिक करना है। ठीक है, आई थिंक उधर गए हो उसको, मैं तो 3-4 साल बाद आया हूं इधर। यहां भी काफी चेंजिंग है, मैं तो फर्स्ट टाइम इस साइड आया हूं, लेकिन ये है कि नहीं ये सेम ही है, वो सामने गए हैं। ठीक है, ये उनका घर और यहां से हम उनको पिक करेंगे। ठीक हूं, आप कैसे हैं? तो आज हमारे साथ हसन साबिर मौजूद हैं, ठीक है, जो नॉर्मली इसको होस्ट करते हैं, लेकिन हमने कहा कि क्यों नहीं आज हम होस्ट करें। ठीक है, पता है आपको मैं एक स्टोरी शेयर करनी है, हम भी स्टार हो सकते थे, लेकिन ये वो आदमी है जिसने हमें स्टार होने से रोका। या आप आगे जाके बताएंगे क्या स्टोरी हुई। नहीं था ना यार, इसमें तो हमजा भी था और निशीद भी था, वो मेन था, निशीद सबसे ज्यादा तंग करता था। बहुत सारे बंदे थे लेकिन उनमें से जो एक उम्मीदवार थी, ये पूरी पार्टी थी जो मेरे पीछे पड़ी थी मेरे टैलेंट के ना, वैसे बहुत तो बड़ी गलती की थी। हाँ, ये जो थे ये उसके चीफ ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, जो वो है ना हमारे निशीद, उनकी भी हम तस्वीर दिखाएंगे इस व्लॉग में, वो जनाब थे प्रेसिडेंट चेयरमैन साहब। ठीक है, आज शहरी ने ये किया, आज शहरी ने ये किया। तो अभी हम जा रहे हैं मीरपुर की सबसे बिजीएस्ट रोड पे, ठीक है, अयूब प्लाजा के पास। बिल्कुल अयूब प्लाजा के पास। और आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं ना, वो शख्सियत हमारी जिंदगी का एक ड्रामा ही रही है। तो शरियार भाई आप तो कुछ बता रहे थे, मैंने कहा चले मैं ये बता रहा था कि मैं इस्लामाबाद रहता हूँ ना, तो वहां पे भी ना भिखारियों की ना एक क्रिएटिविटी है ना। तो मैं F6 गया एक दफा, तो एक बंदा गुजर रहा ना, मैं अब गुजर रहा हूँ अपने ध्यान जा रहा हूँ, मुझे कुरान पाक पकड़ा रहा है ना, कुरान पाक की कोई सूरत वगैरह थी ना वो पकड़ा रहा है, वो चलते चलते मेरे अंदर घुस गया, मैंने पकड़ लिया कुरान। जो साथ ही ना एक लिस्ट लाता है, उसमें कहते हैं सर यहाँ अपना नाम लिख दें, मैंने अपना नाम लिखा, साथ ही कहते हैं सर अब आप जितनी डोनेशन करना चाहे ना। अब मैं ऊपर लिस्ट देख रहा हूँ 500,000, 10,000, मैं कहा ये 500 से कम तो कोई है ही नहीं, मैं कहा तो फंस गए हैं। मैं फिर 500 दिया, मैंने 500 लिखा ना, अच्छा तो चिट वापस ले ली, कुरान भी वापस ले लिया, कहते हैं सर 500 दे दें अपना, ठीक है, और वो किसी मस्जिद का नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ये स्कैम्स हैं बेसिकली, ये सही बात है, डोनेशंस नहीं है। शरियार भाई ये कौन आ रहा है? भाईजान ये आ रहे हैं हमारे, ये तो कोई रोड क्रॉसर, ये तो मुझे कोई लग रहा है कोई अमेरिका का कोई टॉप का कोई सिंगर है। तो अभी हमारे साथ आ गए हैं वन एंड ओनली हमजा इशफाक, सलाम कह देना एक बार। शेर आगे क्या कर रहा है यार, आपको एक बात बताता हूँ, इसने हमजा ने कल मुझे बोला है कि मैं तुम्हें $150 देता हूँ, मुझे इस वीडियो में नहीं आना। मैंने कहा मैं तुझे $300 देता हूँ, इस वीडियो में आएगा। अभी ये अगर यूट्यूब डाउन हो गया तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ इसकी वजह से यूट्यूब डाउन हो गया। इधर सलाम तो बोल दे यार एक बार, अगर ये लाइक तो यार अभी हमने अजवा में आए हैं और हम सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं क्या खाना है। ठीक है, मेन्यू में हमजा कह रहा है मुझे अमेरिका वाला मेन्यू ला के दो तो मैं खाऊंगा। जो बात है, ये है फिश मतलब मछली, ठीक है, ये है फिश फ्राइड मतलब मछली फिश। उर्दू में इंग्लिश में तर्जुमा करें, आप उठा कर रहे हैं पहले उर्दू तो इंग्लिश तो आती है मुझे, आप उर्दू में प्राइम प्रो। ओके ओके, अच्छा तो डायरेक्ट इंग्लिश में पढ़ ले आप, सामने देखिए दोनों है, इंग्लिश उर्दू दोनों है, ऐसा नहीं है। आगे चलें ये वाला सिलेबस याद हो गया, और ये याद बड़ा जल्दी करता था पता है ना। हाँ, ए स्टार्स हैं भाई। ए मैं एक बात बताता हूँ हमजा की, मैं 10th की बात है, हमारी ना पेपर्स होते थे फिर छुट्टियां होती थी, 14 अगस्त को रिजल्ट आता था हमारा ए लेवल्स का, वो हमारा 14 अगस्त खराब हो जाता था, इसका ठीक होता था हमारा खराब हो जाता था। छुट्टियों में मेरी छुट्टियां बहुत फिट जा रही है, मुझे कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है, ये इंसान क्यों कहेगा यार शहरी मेरा वो MCQ गलत हो गया, MCQ डिस्कस हो रहे हैं, पता चला मेरा आधा पेपर गलत हो गया, उसके सारे ए स्टार आ गए, हमारे सारे
एक मुझे दिखा मुझे हमारे व्लॉग में एक बंदा मिसिंग था, उसको उसकी फोटो बड़ी करो ना अपनी अपनी आप एक मिनट अपनी आप कंघी सही कर लें, बाल सही कर लें, क्योंकि आप एक बहुत बड़े व्लॉग में आने लगे हैं। ये ले जी नशीद साहब, कैसे हैं सर? ऑल द वे फ्रॉम इस्तांबुल। आप बस इनको बोल देंगे सब्सक्राइब कर दो। तुम भी बोलो ना सब्सक्राइब कर दो एक बार सब्सक्राइब कर दें एचएस व्लॉग को और बस यूट्यूब डाउन अब बताएं ना आप शुगर कैसे बनाते हैं? ब्राउन शुगर शक्कर को गर्म करके तो उसको खिला के ना तो वो छाने में छान के फिर इसमें पैक कर देते हैं, ये बन जाती है ब्राउन शुगर। हमजा आपको तो आप पता चले ना आप पता चले ना कैसे बनाते हैं शुगर? ये देखें हमजा ने सीट अंदर दे दी और यार हमजा गाड़ी चलाने लगा। अभी हमजा पहले सफर की दुआ सुनाओ। ओ यार ये सफर की दुआ पढ़नी पड़ेगी ना। सुभान अल्लज़ी हमजा कमाल। वो इस पे लिखी भी होती है उधर साइड पे, वो देखो वो सामने तुम्हारे राइट टॉप राइट ऊपर। या अल्लाह खैर भाई आराम से चुकना जानी। मसला ये नहीं है तू लाइसेंस ड्राइवर है, लेकिन ये रोडे पाकिस्तान की है ना, ये रोडों का लाइसेंस नहीं हुआ। पैर सीधे कर ले। बिल्कुल ये लगा दिया। अच्छा बता हमजा हैंड ब्रेक लगा? हैंड ब्रेक स्टार्ट हो रहा है यार। वो हैंड ब्रेक लगा ना लगा यार। अबे यार हैंड ब्रेक लगा यार, क्या कर रहा है यार तू? बस वो हो गया पार कर नहीं रहा है। ओ जा रही है हमजा। हमजा यार हैंड ब्रेक लगाओ। इसको खींच इसको खींच इसको पकड़ यहां से इसको ऊपर की तरफ खींच। यार हैंड ब्रेक लगा रहे यार हमजा, क्या कर रहा है यार तू? अबे ये वाला है, ये अलग है, ये हैंड ब्रेक लगा ना ये इसका, ये ऑटोमेटिक है, गाड़ी अच्छी है यार। हैंड ब्रेक लगा उड़ जाएगी नीचे। नहीं जा रही, मैंने ब्रेक से बाउंस आया वगैरह हो जाएगी यार। यार पार्क में है बता ना ईशा में कितनी रखते होती हैं बता ना। नो कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच। हाँ इधर से ये होती है हैंड ब्रेक इसकी लग गई। तो यार हमजा को अभी गुड बाय करने का वक्त आ गया, हमजा की रुखसती का वक्त आ गया, जा रहा है अमेरिका जी। तो कैसा लगा आपका ये जो शॉर्ट विजिट था पाकिस्तान आफ्टर 4 ईयर, आपको कैसा लगा? जी इसको मैं अपने लास्ट में बोलता हूँ प्रेजेंट सिटी, बहुत मजा आया मुझे यहाँ पे। और इधर आपकी कुछ यादें भी थी पुरानी, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? अच्छा ये व्लॉग खालिद भाई भी देखेंगे तो क्या ख्याल है आपका? हाँ, क्या खालिद भाई के लिए सलाम कह रहे हैं, कोई मैसेज उनके लिए? खालिद भाई को मैं गुड लक कहता हूँ, अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हैं तो मेहनत लगेगा। चलो यार ठीक है हमजा, खुदा हाफिज़ और इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। तो यार अभी हम पहुँच आए हैं शेरयार भाई को अभी ड्रॉप करने। देखो शेरयार भाई बोल रहा हूँ इतनी इज्जत दे दी उन्होंने, तो पता है जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना शेरयार भाई हो जाता है, बिल्कुल जैसे ही बंद होता है शेरयारा हो जाता है। तो अभी शेरयार को इधर ड्रॉप करते हैं और काफी अच्छा लगा, 3 साल बाद मिले, हमारी बहुत एक यादें हैं और बहुत हमने अब इतने इतने राज, वो जो पुरानी यादें थी वो जब बताते हैं तो बंदे के फीलिंग्स दोबारा आ जाती है, वही बंदा उसी रिलीव करता है बिल्कुल। तो अभी आपको गुड बाय कहते हैं बस, तो हमें गुड बाय करें इंशाल्लाह। हसन भाई अगर टाइम पे रिप्लाई करते रहे तो हम और ब्लॉग्स में भी आएंगे ठीक है। बाकी तो अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा हो गए ना, तो मैसेजेस मुझे बहुत आते हैं, तो मैं उनको मैं ईमेल करती हूं या डिस्कॉर्ड पे अलग से। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और खुदा हाफिज़।